खबरारी जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा से जहां पर ग्राम शहरी खुर्द से बहुजन समाज पार्टी के वार्ड नंबर 12 से करम हुसैन को जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी बनाए जाने पर जनता का मिल रहा है अपार जन समर्थन। बधाई देने के लिए उमड़ा जनता का सैलाब। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नासिर हुसैन खान की ये खास रिपोर्ट। बसपा के वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी करम हुसैन साहब ग्राम सहरी खुर्द में अपने कार्यालय से, सर जी हम पूछना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 12 से और भी लोग थे जो बसपा के प्रत्याशी उम्मीदवार टिकट जो मांग रहे थे, लेकिन टिकट उन्हें नहीं मिला, टिकट आपको मिला है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं पार्टी के लोग को और जनता के वार्ड नंबर 12 के जो भी लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं, और अरशद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमारे लिए बहुत मेहनत किए और सहयोग किए, और जनता के बीच में हमारा जो प्रभाव रहा है, जनता के बीच में मैं जो चला हूं 2 महीने से 2.5 महीने से, उसका मुझे परिणाम मिला है। इसीलिए पार्टी के लोग ने मुझे तय किया कि नहीं, करम हुसैन को वहाँ से टिकट दिया जाए, वो बहुत मेहनत किए हैं और जीत के आएंगे। इसीलिए जनता का मुझे आशीर्वाद मिला वार्ड नंबर 12 के, इसीलिए मुझे कैंडिडेट घोषित किया गया है, और मुझे जनता का विश्वास भी जीतना है कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा। जी ये बताइए, जैसे कि ये पार्टी ने तो आप में विश्वास जताया है कि आप वार्ड नंबर 12 जो बसपा के जो और भी लोग थे उसके बरक्स आपको टिकट दिया गया है, पार्टी ने आप में उम्मीद जताई है, तो इसी के साथ मैं एक सवाल मेरा और है, यदि आप वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत प्रत्याशी की जो सदस्य की सीट है आप जीत जाते हैं, तो वार्ड नंबर 12 की जनता से आप क्या कहेंगे, और जनता जो उम्मीद लगाई बैठी है कि कोई प्रत्याशी ऐसा भी आएगा, वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी वादे करते हैं, लेकिन जनता की ये भी डिमांड है कि मतलब लोग आते हैं वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद फिर कोई उनसे मतलब उनको पूछना उनका हाल लेने नहीं आता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता के बीच में जो 2 महीने से आज चला हूँ, और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, चुनाव मैं जीतता हूँ वार्ड नंबर 12 से, तो जनता के जो भी क्या नाम है, जो भी उनका विश्वास है उस पर मैं खरा उतरूँगा, और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे नकारेगी नहीं, जनता मुझे विजयी करेगी, और जनता से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ वार्ड नंबर 12 से, तो मैं एक एम्बुलेंस जनता वार्ड नंबर 12 में मैं उनके लिए फ्री का सुविधा करूँगा, और उसमें डीजल भी हमारा रहेगा, गाड़ी भी हमारी रहेगी, खाली मुझे सूचना अगर मिलता है वार्ड नंबर 12 से या अन्य जनता से भी, तो मैं उनके लिए गाड़ी रात को 12 बजे अगर कहेंगे तो मैं भेजने के लिए तैयार हूँ, और उसमें पूरा नंबर दिया जाएगा, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए देखते हैं कि करम हुसैन के बारे में यहाँ की जनता का क्या राय है। करम हुसैन के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है इनका छवि, ये मानिक संबानी आदमी है, इनको टिकट अगर जो पार्टी दी है तो हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं, और अच्छे में हैं और काम करके दिखाएंगे, जीत के आएंगे तो काम करके ये दिखाएंगे, और हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि एक पब्लिक में काम करके दिखावें, हर एक आदमी से जुड़े रहें, मेरा यही उम्मीद है।